वेलकम टू एविजन, एविजन फॉर द गवर्नमेंट जॉब। आज हम लोग रीजनिंग का इनइक्वालिटी में एक सबसे टफेस्ट जो होते हैं कोडेड इनइक्वालिटी, वो सॉल्व करेंगे अब फ्यू सेकंड में। देखते हैं कैसे। चलिए आज का पहला सवाल लेते हैं, देखते हैं एक कोडेड इनइक्वालिटी में क्या दिया गया। आपको दिया रहेगा पी कॉपीराइट क्यू, इसका मतलब होता है पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू। मतलब क्या होता है? स्मॉलर देन नहीं होगा, इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल होगा। स्टार का मतलब क्या है? P स्टार Q का मतलब होता है नॉट ग्रेटर देन Q, इसका मतलब होता है आपका स्मॉलर देन इक्वल। और डॉलर का एट द रेट का मतलब होता है नाइदर ग्रेटर देन नॉट इक्वल, इसका मतलब स्मॉलर देन। डॉलर का मतलब होता है आपका नाइदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल, मतलब ग्रेटर देन। और परसेंटेज का मतलब होते हैं इक्वल। सही बात है, समझ पा रहे हैं? ये है डेटा, इन्हीं को इस डेटा को कोट करके एक नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। जैसे जे डॉलर के स्टार टी एट द रेट एन कॉपी राइट आर, इसके बाद आपको कंक्लूजन दिया जाएगा। नॉर्मली बच्चे आप लोग करते हैं क्या, इनको कोड करते हैं, कोड को डिकोड करते हैं, उनके बाद सॉल्व करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे विदाउट डिकोडिंग इसको कैसे सॉल्व किया जाए। एक ट्रिक है इसका, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल एक तरफ रहता है, इसको बोलते हैं रो वन। रो टू में आते हैं लेस देन इक्वल टू और इक्वल, ये कोड हमेशा आपका काम आएगा। ठीक है बच्चों, इनको आप याद करके रखिए। अब आप यही कोड को इनमें पुट कीजिए। क्या पूछा गया आपका? स्मॉलर देन नहीं होगा। अगर स्मॉलर देन बच्चों नहीं होंगे तो क्या होंगे? ग्रेटर और इक्वल होंगे। ग्रेटर इक्वल का क्या होगा? कॉपीराइट। ठीक है, आप देखिए बच्चों, ग्रेटर नहीं है, बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है क्या है? स्मॉल और इक्वल है। स्टार एट द रेट का मतलब होता है ग्रेटर भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, इसका मतलब होता है स्मॉलर देन। और डॉलर का मीन्स होता है नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल, स्मॉलर देन भी नहीं होगा और इक्वल भी नहीं होगा, इसका मतलब डॉलर मेरा ग्रेटर देन होगा। और परसेंटेज क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि इक्वल बता दिया गया। अब आप बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको पूछा जा रहा है क्या जे से टी के बारे में, जे से टी के बारे में। सिर्फ हम चेक करेंगे जे से टी में कितने सारे सिंबॉल हैं, दो सिंबॉल हैं, कौन कौन से? एक डॉलर है, एक स्टार है। आपको पता होना चाहिए जे रो वन रो टू कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, दे आर अपोज। अगर रो वन का कोई भी सिंबल रो टू का सिंबल में आते हैं तो कांड से हम लोग उसको नहीं लेते हैं। इसका मतलब एक बार डॉलर एक बार स्टार, इसका मतलब ये रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब पहला वाला नहीं होगा। देखते हैं, अब आते हैं आर से टी, आर से टी, आर मेरा यहां है टी इधर है, इसका मतलब आर से टी में अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो हम पहले देखेंगे टी से आर में क्या आ रहा है। टी से हमेशा चेक, हमेशा ऑलवेज लेफ्ट टू राइट चलेंगे, कभी भी राइट टू लेफ्ट नहीं चलेंगे। हमेशा क्वेश्चन में राइट टू लेफ्ट दे सकते हैं या लेफ्ट टू राइट दे सकते हैं, बट ऑलवेज हम लोग चलेंगे लेफ्ट से राइट तक। तो आर से टी पूछा गया आपको, तो हम क्या करेंगे, हम टी से आर तक जाएंगे। टी से अगर आर जाते हैं तो एट दी रेट मिल रहा है कॉपीराइट, ये भी कंक्लूजन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। अगर स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं तो ये भी मेरा रॉन्ग है। आते हैं एन डॉलर के देखते हैं एन कहाँ है के कहाँ है। ऑलवेज हमने बोले लेफ्ट से राइट जाने का, तो के से लेके एन तक चलेंगे। के से एन तक जाने के लिए मुझे जो सिम्बॉल मिल रहे वो है मिल रहे स्टार और एट दी रेट। स्टार और एट दी रेट में फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग लेते हैं स्मॉलर का, तो स्मॉलर का ही सिंबल लेंगे एट दी रेट। अब देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है लेफ्ट से नहीं उल्टा, मतलब के डॉलर सॉरी के एट दी रेट एन है, बट सवाल क्या के से पूछा गया? पूछा नहीं गया, पूछा गया एन से। तो इसी का ही सिंबल, इसी का ही स्मॉलर का ऑपोजिट साइन क्या होते हैं? ग्रेटर। ग्रेटर का सिंबल क्या है? डॉलर। डॉलर बैठा देंगे। देखिए ये वाले सवाल का आंसर सेम है कि नहीं, अगर सही है तो ये मेरा राइट है। चौथा देखते हैं आर से लेके के तक, फिर से हम लोग चेक करेंगे आर और के, जबकि ये आर राइट में है तो ऑलवेज हम लोग क्या जाएंगे लेफ्ट की तरफ से। तो स्टार एट द रेट कॉपीराइट, इसका मतलब रो टू साइन में रो वन का आया हुआ है कोई भी साइन, इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे। तो आंसर क्या होगा? ओनली थ्री फॉलो। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? शुरू करते हैं दो नंबर क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ
परसेंटेज डब्ल्यू कॉपीराइट आर एट द रेट एम डॉलर डी। इसके बाद आपको कंक्लूशन दिया गया है, जैसे डी एट द रेट आर, दो नंबर में एम डॉलर एफ, तीन नंबर में आर एट द रेट डी, चार नंबर में आर स्टार एफ। ये ट्रिक को कैसे फिर से इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन एज पॉसिबल एज सॉल्व हो सके, देखते हैं। पहले सवाल में जो दिया हुआ है वो डी से लेके आर तक है, तो डी मेरा राइट में है, आर मेरा लेफ्ट है। ऑलवेज हम लोग चलेंगे कैसे, ऑलवेज चलेंगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में अगर हम जा रहे हैं तो देख रहे हैं एट द रेट कहाँ पर है, एट द रेट रो टू में साइन में, और डॉलर कहाँ पर है, डॉलर रो वन में है। तो इसका मतलब रो वन रो टू में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो एक नंबर कंक्लूशन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। आते हैं दो नंबर में, M से लेके F तक, M कहाँ है देखिए बच्चों, F है, F से M की तरफ चलते हैं, F से M तक की तरफ जब हम चल रहे हैं तो मुझे मिला परसेंटेज साइन, कॉपीराइट साइन और एट द रेट, फिर से रो वन का साइन में रो टू का साइन आ गया है, तो कोई भी कंक्लूशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। फिर से ट्राई करते हैं, तीन नंबर में यही इंप्लीमेंट करते हैं, R एट द रेट D, R एट द रेट D का मतलब होता है आपको R मेरा ये रहा, D मेरा ये रहा। हम पहले देखें अगर कोई स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं तो ये भी बाई डिफॉल्ट क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। क्यों, क्योंकि एट द रेट है और डॉलर है, दो ऑपोजिट साइन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, R से लेके F तक जाना है, R से लेके F तक, तो F से लेके R तक हम लोग चलेंगे, परसेंटेज है और कॉपीराइट है, परसेंटेज है और कॉपीराइट है। इसका मतलब एफ कॉपीराइट एफ कॉपीराइट आर होगा, ठीक है बच्चों। बट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया आर एफ से, तो इसको हम चेंज करेंगे, जहां हम चेंज करें तो साइन भी चेंज हो जाएगा, कॉपीराइट का साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट स्टार, स्टार एफ, ये और ये इक्वल है, इसका मतलब मेरा चार नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है बच्चों। तीन नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, क्या पहले जो एक और दो नंबर क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट एक ही दिया हुआ था, चार कंक्लूशन दिए हुए थे, अभी देखिए स्टेटमेंट दो दिया हुआ है, ठीक है, और कंक्लूशन दो दिया गया है। अगर गौर से देखेंगे आप, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट और सेकेंड वाला स्टेटमेंट में कॉमन है ई। अभी सवाल क्या पूछा गया, W से B के बारे में एक रिलेशन पूछा गया और H से V के बारे में। W मेरा इस स्टेटमेंट टू में है और स्टेटमेंट वन में B है, H कहाँ है, H स्टेटमेंट वन में है और V कहाँ है, स्टेटमेंट टू। इसका मतलब आपको स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू को मर्ज करना पड़ेगा ताकि आपको कंक्लूशन वन एंड कंक्लूशन टू का आंसर निकाल पाए। तो मर्ज करते हैं, H एट द रेट B स्टार E। अब आप देखिए E से V तक मतलब V से E है कॉपीराइट, हम इसको चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं, E से V तक, इसका मतलब कॉपीराइट का उल्टा साइन आएगा, क्या है उल्टा साइन, स्टार, स्टार V लिख देंगे। V W से V का रिलेशन है डॉलर में, हम क्या कर रहे हैं इसको चेंज कर रहे हैं, चेंज करने का मतलब होता है साइन भी चेंज हो जाएगा, डॉलर का ऑपोजिट साइन क्या है, एट द रेट, एट द रेट क्या होंगे, डब्लू। देखिए आपका एक ही लाइन में पूरा का पूरा आ गया, ठीक है बच्चों। अभी कंक्लूशन वन चेक करते हैं, डब्लू से बी, डब्लू से बी मतलब बी से डब्लू तक हम लोग चलेंगे, क्या क्या है, स्टार है, स्टार है, एट द रेट है, बट ये बी से है, बी से डब्लू के बीच में रिलेशन है, स्टार स्टार एट द रेट, तो हम लोग जो सिंबल लेंगे वो एट द रेट का लेंगे। बट सवाल आपको पूछा गया क्या, W से B, इसका मतलब ये साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज होने का मतलब होता है एट द रेट का ऑपोजिट साइन क्या है, डॉलर, डॉलर होगा, तो ये सही है, ठीक है बच्चों। फिर से समझा रहे हैं, देखिए B से W तक जाने का मतलब होता है B और W के बीच में कितने सारे सिंबल हैं, स्टार स्टार एट द रेट, इसका मतलब B और W के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, स्मॉलर का है। बट आपको तो ये पूछा नहीं गया, आपको पूछा गया W के रेस्पेक्ट में, अगर W के रेस्पेक्ट में पूछा गया तो W लेफ्ट में होगा, B राइट में, अगर ये चेंज हो रहे हैं तो सिंबल भी चेंज होना चाहिए,
एट दी रेट का ऑपोजिट सिंबल क्या है? डॉलर, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। इसका मतलब आपका पहला वाला कंक्लूजन सही है। देखते हैं दो नंबर कंक्लूजन। दो नंबर कंक्लूजन में आपको बताया गया एच से वी के तरफ जाना। एच से वी के तरफ जाने का मतलब होता है एट दी रेट स्टार स्टार। इसका मतलब एच और वी का रिलेशन जो है वो स्मॉलर सिंबल में, स्मॉलर सिंबल मतलब एच एट दी रेट वी। यहां पर भी कंक्लूजन टू में दिया हुआ है एच एट दी रेट वी, इसका मतलब कंक्लूजन टू भी सही है। इसका आंसर होगा वन एंड टू बोथ फॉलो। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं चार नंबर सवाल। चार नंबर सवाल में पूछा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन ओ स्टार जेड इज डेफिनेटली ट्रू। कभी कभी ट्रू भी पूछते हैं, कभी कभी फॉल्स भी पूछते हैं। आपको एक कंक्लूजन दिया गया, नीचे में एक दो तीन चार पांच स्टेटमेंट दिया गया। इन पांच स्टेटमेंट से कोई एक स्टेटमेंट जिसमें ओ स्टार जेड ट्रू होगा, बाकी एक दो तीन चार या कोई भी चार में वो गलत होंगे। पहले हम चेक करेंगे क्या ओ से जेड के बीच में रिलेशन क्या है, ओ और जेड के बीच में रिलेशन क्या है। ओ के बाद कितने सारे साइन है, स्टार स्टार, ओके, परसेंटेज ठीक है। उसके बाद क्या है, एट दी रेट। अब आप खुद ही सोचिए एक बार, एक नंबर सवाल में देखते हैं ओ और जेड के बीच में क्या क्या साइन है। स्टार साइन है, परसेंटेज है, एट दी रेट है और स्टार है। आप खुद ही सोचिए स्टार परसेंटेज एट दी रेट मतलब स्मॉलर का सिंबल आ रहा है और आपसे पूछा क्या गया, आपको पूछा गया लेस और इक्वल। इसका मतलब ओ और जेड के बीच में लेस साइन आएगा, लेस और इक्वल नहीं आ सकता है। इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट मेरा गलत है। चलिए बच्चों दो नंबर देखते हैं। दो नंबर में Z से लेके O के बीच में कितने सारे साइन हैं, कॉपीराइट है, परसेंटेज है, स्टार है, कॉपीराइट है और O है। इसका मतलब कॉपीराइट, परसेंटेज, स्टार बोथ आर द ऑपोजिट, मतलब रो वन एंड रो टू का दोनों का साइन इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब Z और O के बीच में कोई भी कंक्लूजन तैयार नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी मेरा गलत हो गया। चलते हैं तीन नंबर में आते हैं। तीन नंबर में Z और O के बीच में क्या रिलेशन है देखते हैं। Z और O के बीच में जो रिलेशन है वो है आपका कॉपीराइट, परसेंटेज, कॉपीराइट, परसेंटेज और कॉपीराइट। इसका मतलब कॉपीराइट, परसेंटेज, कॉपीराइट, परसेंटेज, इसका मतलब कॉपीराइट प्रेफरेंस होगा, गेटर और इक्वल मिल जाएगा। बट ये सवाल दिया गया है O से Z, आपको मिला है Z कॉपीराइट O, बट पूछा तो आपको Z कॉपीराइट O नहीं, O से पूछा गया। इसका मतलब ये जो O वो लेफ्ट में आएंगे, Z राइट में आएंगे। इसका मतलब है इसका ऑपोजिट साइन लिखा जाएगा जो कि है O स्टार Z। O स्टार Z मतलब तीन नंबर ऑप्शन से हमको ये सवाल का आंसर मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, तीन नंबर राइट होगा। बाकी को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि बाकी ऑलवेज गलती होगा। आपको पूछा ही गया है, एक सही होगा, अगर एक सही होता है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी सब गलत होंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा फाइव नंबर सवाल आप देखिए क्या लिखा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन एम डॉलर डब्लू, ये तो ट्रू होना ही चाहिए, साथ में आपका और एक कंडीशन जोड़ दिया गया है। क्या एक आइदर और भी होना चाहिए, डब्लू एट द रेट एन और डब्लू परसेंटेज एन, बट एक स्टेटमेंट भी दिया गया है। इस स्टेटमेंट में बहुत सारे जगह खाली दिया गया है, क्यों, क्योंकि ये इस खाली जगह पे आपको ऐसा सिंबल यहां से भेजिए ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिससे आपको एम डॉलर डब्लू एंड आइदर डब्लू एट द रेट एन और डब्लू परसेंटेज एन ये फुलफिल होगा, मतलब ट्रू होगा। चलिए पहला नंबर ऑप्शन ट्राई करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, कॉपीराइट स्टार परसेंटेज एट द रेट, बैठाते हैं कॉपीराइट स्टार परसेंटेज एट द रेट। आप देखिए M और W के बीच में रिलेशन, M और W के बीच में रिलेशन क्या है, W से हम लोग M की तरफ चलेंगे, पहले हम आपको बताएं, तो W में क्या है परसेंटेज, उसके बाद क्या है एट द रेट। इसका मतलब ये हो रहा है जे W W परसेंटेज एट द रेट M का मतलब ये हुआ W एट द रेट M है, बट आपको सवाल क्या पूछा गया M से, इसका मतलब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, M
डॉलर डब्ल्यू जो फर्स्ट फुलफिल कर रहे हैं, दूसरा देखते हैं आइदर वाला, डब्ल्यू से लेके एन तक एक है कॉपीराइट, एक है स्टार। कॉपीराइट एंड स्टार बोथ आर द ऑपोजिट सिंबल है, इसका मतलब ये वाला फुलफिल मेरा नहीं हुआ, इसका मतलब एक नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। चलते हैं दो नंबर ऑप्शन पे, दो नंबर ऑप्शन में क्या गया है, परसेंटेज कॉपीराइट एट द रेट स्टार। देखते हैं पहले चेक करेंगे एम और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन क्या है, डब्ल्यू एट द रेट स्टार और एम, इसका मतलब एट द रेट और स्टार है, बट सवाल पूछा गया एम से तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर चेंज करते हैं तो साइन भी मेरा चेंज हो जाएगा, इसका डब्ल्यू और एम के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है वो है एट द रेट का, और एम से और डब्ल्यू के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश होगा वो क्या होगा, डॉलर का। तो इसका मतलब पहला वाला फुलफिल किया। दूसरा चेक करते हैं एन परसेंटेज, एन परसेंटेज कॉपी राइट डब्ल्यू, इसका मतलब कॉपी राइट और परसेंटेज सही है, तो एन से लेके डब्ल्यू के बीच में रिलेशन क्या है, कॉपी राइट का। बट आपसे पूछा गया है डब्ल्यू से, यहां पर देखिए गौर से, डब्ल्यू से पूछा गया, अगर W से पूछा जाएगा तो क्या होगा इसका, इसी का ऑपोजिट साइन आएंगे, क्या आएंगे, स्टार N आएंगे। बट ये स्टार का सिंबल का मतलब होता है लेस और इक्वल, आपको पता है एट द रेट का मतलब होता है लेस और परसेंटेज का मतलब होता है इक्वल, इसका मतलब W और N के बीच में आइदर और के रिलेशन है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं W एट द रेट N आइदर और W परसेंटेज N, ये दोनों ही फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन टू मेरा सही है, इसका मतलब बाकी जितने सारे ऑप्शन है वो सभी क्या है, रॉन्ग है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ट्रिक का सही इस्तेमाल एग्जाम में करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले पाए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।